कांग्रेस पार्टी के विवादित नेता मणिशंकर अय्यर ने फिर से विवाद को जन्म दिया है। इस बार राम मंदिर मुद्दे पर उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम एक शाम बाबरी मस्जिद के नाम को संबोधित करते हुए कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने कहा है कि जो लोग इस बारबैरिक एक्ट के पीछे थे उन्होंने 2014 में लोगों को एक मौका दिया था, लेकिन उन्होंने अपना मौका पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने राम मंदिर पर आरएसएस और बीजेपी के नारे को भी चुनौती दी है। सुन लेते हैं क्या कहा है मणिशंकर अय्यर ने। 6 दिसंबर 1992 को जबकि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, उस दिन भारत के ईमान को शहादत किया गया। हम इस देश में या तो एक हम सब एक साथ इज्जत के साथ रह सकते हैं या ये भारत रहेगा ही नहीं। मंदिर आप जरूर बनाइए अयोध्या में यदि आप चाहते हो, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे? मंदिर वहीं बनाने का क्या मतलब बना? दशरथ एक बहुत बड़े महाराजा थे। कहा जाता है कि उनके महल में 10,000 कमरे थे, तो कौन जानता है कि कौन सा कमरा कहां था? इसलिए ये कहना कि क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे भगवान राम यहीं पैदा हुए थे और इसीलिए वहीं बनाना है, और क्योंकि एक मस्जिद है वहां उसको हम पहले तोड़ेंगे और उसके जगह हम बनाएंगे, हम ये कहें कि क्या अल्लाह में भरोसा रखना कोई गलत चीज है हिंदुस्तानी के लिए?